हेलो गाइस, आज हम पैग विली के बारे में कुछ आपसे बातें शेयर करेंगे और उसके कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप कंटिन्यू पैग विली कर सकें। सबसे पहले आप पैग विली पैग पे ग्रिप, मतलब ग्रिप चढ़ा लें, मतलब स्टंट पैड, ये रेग माल चिपका रखा हमने 10 रुपये का एलफी से। और जब आप अपना पैर ना पंजे से बस इतना पीछे रखें कि आपका जब पुश करें ना ऊपर की साइड तो आपको ऐसा लगे कि आपकी साइकिल लाइट वेट है। जब आपको ऐसा लगेगा ना आपकी साइकिल भारी है तो आपकी जो पैग विली है ना वो थोड़ी सी जाएगी, ऐसे जाती होगी जब आप पैग विली करते होंगे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जाती है। उसके लिए आपको सबसे पहले पैग विली जो सीखनी है वो फर्स्ट गियर पे सीखनी है। आप जैसे पैग विली स्पीड पे सीखोगे ना, जैसे कि थर्ड गियर पे, फोर्थ गियर पे, स्पीड पे डिसबैलेंस होता है, उससे पैग विली अच्छी नहीं जाती। इस वजह से आप सोचते हैं कि पैग विली छोड़ो, कोई और सेशन करते हैं। और पैग विली हमेशा नॉर्मल स्पीड पे करनी होती है। और जब आपकी साइकिल पीछे गिरे ना, जब आपकी साइकिल पीछे गिरे तो आप ब्रेक लेने हैं। और ये पैर जो है ना, पैर का जो बैलेंस होता है पीछे वाले का, इधर आए, पीछे वाले पैर का जो बैलेंस होता है ये वाला, इसे जब आगे पीछे करते रहें इससे क्या आपको पॉइंट मिलेगा कि आगे कैसे जा रही है। और ब्रेक पे वन फिंगर रखें जिससे कि आगे गिरे तो ब्रेक छोड़े, पीछे की तरफ हैंडल से ऐसे पुश करें। और जब पीछे की तरफ गिरे तो थोड़ी थोड़ी ब्रेकिंग दें जिससे कि वो आगे आए। अब आपको पैग विली करके दिखाते हैं, नो ब्रेकिंग भी और ब्रेकिंग भी, ठीक है। साइकिल पर अब आपको पैग विली देख सकते हैं, हमने एक बारी में इतनी लंबी करी है। आप डेली प्रैक्टिस करें और पैग विली अच्छी मास्टर होगी। आपको नो ब्रेकिंग के बारे में कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।